EWS OBC आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। नीट PG काउंसलिंग से जुड़ा ये मामला है। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में ये सुनवाई। कल समय अभाव के चलते सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी और आज एक बार फिर से ये सुनवाई होगी। EWS OBC आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होनी है आज। नीट PG काउंसलिंग से जुड़ा ये मामला है और जिसको लेकर लगातार जो प्रदर्शन या हड़ताल कर रहे थे स्टूडेंट्स, उसके बाद अब ये सुनवाई होनी है। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में ये सुनवाई होगी, क्योंकि कल भी ये सुनवाई हुई थी लेकिन कल समय अभाव के चलते ये सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी और उम्मीद ये की जा रही है कि आज ये सुनवाई पूरी होगी, क्योंकि कई जो स्टूडेंट्स हैं जो नीट PG को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, हड़ताल जो चल रही थी उसको लेकर अब शायद जो स्थिति है वो साफ होती नजर आए, क्योंकि EWS OBC आरक्षण को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होनी है। कल भी ये सुनवाई हुई थी लेकिन वो कल सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से आज फिर से ये सुनवाई होनी है। तो स्थिति आज हो सकता है कि ये साफ हो जाए। नीट PG काउंसलिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां आज फिर ये सुनवाई होनी है और सुनवाई जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में होगी, यानी वो सुनवाई करेंगे। क्योंकि नीट PG काउंसलिंग को लेकर हड़ताल कई समय तक चली, जो स्टूडेंट्स की मांग थी वो लंबे समय तक चली और उसको लेकर सरकार की तरफ से भी कहा गया, आश्वासन भी दिए गए, अब कई स्थितियां हमने देखी भी, लेकिन अब एक बार फिर से क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है तो आज इसमें सुनवाई होनी है। कल भी इसको लेकर सुनवाई हुई थी लेकिन आज फिर ये सुनवाई होगी और जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में ये सुनवाई होगी।